नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे न्यूज स्वनिशन। बिहार और साथ ही साथ राजधानी पटना की सबसे प्रसिद्ध और पुरानी लाइब्रेरी खुदाबख्श लाइब्रेरी को लेकर इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। दरअसल चर्चा इस बात की हो रही है क्योंकि खुदाबख्श लाइब्रेरी का एक हिस्सा तोड़ने की बात सामने आई है। वो इसलिए क्योंकि पटना कारगिल चौक से लेकर NIT तक फ्लाईओवर का निर्माण करना है। ये 2.2 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर होगा और इसको लेकर खुदाबख्श लाइब्रेरी के एक हिस्से को तोड़ना पड़ेगा। एक तरफ जहां पहले से ही अलग अलग संस्थाओं की तरफ से इस बात को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगाई जा रही थी कि ऐसा ना किया जाए, तो वहीं दूसरी ओर अब बिहार के सियासी गलियारों तक इसकी गूंज सामने आने लगी है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस मुद्दे को लेकर अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। उन्होंने क्या कुछ लिखा है पहले देखिए। तेजस्वी यादव लिखते हैं कि When in doubt, go to the library. J.K. Rowling. दरअसल J.K. Rowling एक प्रसिद्ध लेखिका है जिन्होंने हैरी पॉटर जैसी किताब भी लिखी थी, फिल्म भी उस पूरी किताब पर बनी। लेकिन इन सब के बीच उन्होंने CM नीतीश के बारे में लिखा है कि बट इन दिस केस ऑफ CM नीतीश, when you feel being less dictator, demolish a heritage library. यानी कि जब आप एक शासक के तौर पर फेल हो जाते हैं और आप अपने आप को क्षुब्ध समझने लगते हैं, तो CM नीतीश के केस में एक अच्छी प्रसिद्ध और पुरानी लाइब्रेरी को गिरा डालने की ही उम्मीद की जा सकती है। ऑटोक्रेटिक डिसीजन ऑफ नीतीश गवर्नमेंट टू डिसमोलिश अ पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी इज अटरली डिसग्रेसफुल एंड कमेंटेबल वन। इसके अलावा उन्होंने एक तस्वीर भी साझा की है जिसमें महात्मा गांधी विजिट्स खुदाबख्श लाइब्रेरी पेज ट्रिब्यूट। महात्मा गांधी भी इस लाइब्रेरी में, खुदाबख्श लाइब्रेरी में वो वहाँ गए थे, विजिट किया था और ट्रिब्यूट भी दी थी। यानी कि पूरी तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस मुद्दे को लेकर साफ तौर पर अपनी आवाज बुलंद करते हुए इस बात का स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि ये इतनी प्रसिद्ध और अच्छी लाइब्रेरी है, पुरानी लाइब्रेरी है जहां महात्मा गांधी भी गए थे। वहां पर लाइब्रेरी में बैठकर उन्होंने किताबें पढ़ी थी, लेकिन उसके बावजूद इस पुरानी हेरिटेज वाली लाइब्रेरी को भी तोड़ने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में हो रहा है, जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगाई है। धरोहर संरक्षण के लिए काम कर रही ये संस्था के सदस्यों ने नीतीश कुमार से कर्जन रीडिंग रूम को तोड़े जाने से बचाने के लिए दखल देने की अपील की है। दरअसल कारगिल चौक से पटना के NIT पटना तक 2.2 किलोमीटर लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनना है। बिहार पुल निर्माण निगम लिमिटेड के प्रस्तावित एलिवेटेड सड़क निर्माण की राह पर कर्जन रीडिंग रूम और बगीचा बाधा बन रहा है और यही वजह है कि इस लाइब्रेरी को तोड़ने की बात सामने आई है। यानी कि पूरी तरीके से एक तरफ जहां राज्य सरकार सड़क निर्माण हेतु इस तरह की पहल उनके द्वारा की जा रही है कि पूरी पटना में जाम की स्थिति ना हो, लगातार फ्लाईओवर पर फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच खुदाबख्श लाइब्रेरी का एक हिस्सा फ्लाईओवर निर्माण में बाधा डाल रहा है और यही वजह है कि उसे तोड़ने की बात सामने आई है। हालांकि इसको लेकर अलग अलग तरीके से आवाज बुलंद की जा रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगाई जा रही है। हालांकि इसको लेकर अभी सरकार की तरफ से कोई भी बात सामने नहीं रखी गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।